सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग। गाइस, आज मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा हैप्पी बर्थडे देवा। केक लाऊं ना? मेरे पीछे देख लो, पिको और एल्फा भी मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आ गए, लेकिन एक सीन बन गया। कल तो इसने आरसी कार तोड़ी दी थी, ऊपर वाली जो लाइट है ना वो भी तोड़ के फेंक दी। ये इसके हाथ में टायर ये तोड़ दिया। गाइस, ये इतनी महंगी कार है, ये भी तोड़ा लग रहा। मैं तो लेके आया था इसे ऑफ रोडिंग करने के लिए। ओए सॉरी बोल रहा, कान पकड़ के। वाओ, इसके लिए तो लोहे की कार लानी पड़ेगी, ताकि वो टूटे ही ना, चाहिए कहीं भी टक्कर मार ले। अभी तक पिको और एल्फा ने खाना नहीं खाया, तो आज पिको की डिवॉर्मिंग करता हूँ और एल्फा की डिवॉर्मिंग नहीं कर रहा अभी। पहले मैं किसी और दवाई से डिवॉर्मिंग करता था, अब मैं इससे डिवॉर्मिंग करूँ। वो तो पता लगता है की डिवॉर्मिंग होने वाली है, दवा पेट में जाने वाली है। भाग गया, चीटिंग करता है तू। एल्फा पिको कहाँ है? आगे आगे आगे। डिवॉर्मिंग करने में प्रॉब्लम होगी, सारी दवाई टूट गई। मंदिर में जा रहा था, रास्ते में आते वक्त ना ये गुरसल का बच्चा मिला। ये ना ऊपर तो सीधा खास मांग गिरा, मतलब बड़े नाले मांग गिरा। उड़ने की कोशिश कर रहा होगा या फिर पता नहीं क्या हुआ। अगर ये वहाँ पड़ा रहता ना, तो कोई ना कोई जानवर कुत्ता वगैरह से खा लेता, इसलिए मैं इसे यहाँ लेके आ गया। इसे ना इस केज में रखूंगा, ये सबसे पुराने वाला केज है मेरा। ये उड़ना सीख जाएगा ना, तब इसे आजाद कर देंगे। ओए ओए, कोशिश तो कर रहा है उड़ने की, लेकिन इसे ना मैं ऐसे खुला भी नहीं रख सकता, क्योंकि पीकू भी है, एल्फा भी है, तो दिक्कत हो जाओगी। इसे अभी इसके अंदर रखते हैं। वैसे खाने का कुछ नहीं है, मेरे को कबूतर बाजू से पूछना पड़ेगा कि इसे चुग्गा कैसे दिया जाओ। ओए ओए, मेरा उड़का मारा इसने, साले का खोपड़ी तोड़। इसमें अभी इतनी ताकत नहीं आएगी अपने पैरों पर चल फिर सके। इसके लिए ना दाना रखता हूँ, जो दाना मैं अपने पंछियों के लिए रखता हूँ ना, वही वाला दाना इसे भी रखता हूँ। इसे ना मैं वहीं जाके छोड़ूंगा जहाँ से ये मेरे को मिला। आज सोच रहा था एक्वेरियम का पानी चेंज कर दूं, बट श्वेता कह रही है कि मौसम ना बदलता है। बात तो सही है, कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, इस वजह से इनका पानी चेंज नहीं करते। पीकू मेरे पीछे पीछे घूम रहा, क्योंकि पीकू को आज खाना नहीं मिला, मम्मी ने इसे खाना नहीं दिया ना, तो मेरे पास शिकायत लगाने के लिए आ रहा कि खाना तो दिलवाते कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन इसे ना 3 या 4 घंटे के बाद ही मिलेगा खाना। भगवान क्या जुलुम है। गाइस, मैं अपने मिंटू के लिए इसका साथी ढूंढ रहा हूँ, अगर किसी के पास हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये देख लो इसका मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, उदास उदास है ये भी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाए तो बढ़िया है। जब ये वाला दाना रख के देख, जैसे हिसाब से ठंड लग रही है, पानी में गिर रहा था ना, भीग रहा हूँ। हाँ भाई मुंडे, खाना पीना खा लिया ठीक है? पीकू भी इसे चेक कर रहा कि नया पंछी कौन आ गया, चेक कर रहा क्योंकि इनसे तो मिलता रहा रोज। व्यू को देख लो, इसे आते ही छेड़ना शुरू कर दिया इसने। अब ओए व्यू पागल है क्या तू, इसे मत छेड़े। अब ये छोटा बच्चा है तेरे जैसा, जैसे तू बोलना सीख रहा है, उड़ना सीख रहा। हाँ गाड़ी चला ले अपनी, जाओ। वो टक्कर मार रहा है इसका। अब तू पागल है क्या व्यू? रवि साले ये तो मेरी मार लगा टक्कर। अजय भी गुरसल के बच्चे की हालत देखो कितनी रिकवर होगी, एकदम बिल्कुल सही हो गया यार। ये मेरे को लग भी नहीं रहा था कि ये इतना सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ओके हो गया। एल्फा पीकू भी आ गए, पहले तो इन्हें बाहर निकालता हूँ, और तब इसके बाद ना मैं इसे अब आजाद करने वाला हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे वहीं जाके छोड़ूं जहाँ से मैं इसे पकड़ के लेके आया था। जाल में रह गए थे, परेशान हो जाएगा क्योंकि ये जंगली पक्षी है, तो चलो इसे लेके चलता हूँ वहीं पे। अब ये पकड़ा था ना, तब देख लो कितना मासूम सा था, अब देखो कैसे एक्टिव हो गया पूरा। चल वहीं छोड़ के आ रहा जहाँ से लाया था तुझे। सही है भाई। ओए ज्यादा मत बोल, बोलो दुखी था जब तो ना कह रहा कुछ भाई, ठीक होती गाड़ी तेल लगा और लगा ही तो किल की मारा लगा। अबे चल चल चल, ये ना इस वाली खास में पड़ा हुआ था भाई, जब इसको उड़ाते हैं। उड़ जा, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। अपने आप ही बैठ के जाके। और इधर इस बच्चे को देख लो, इसके लिए झुंडा लग गया। और पिकू को देख लो, एक बात बताऊं, एल्फा और पिकू का मन सा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ना 5-6 दिन में आया, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहे, ऐसा लग रहा था कि ये हमें छोड़ के चला गया कहीं। गाइस आज मेरा जन्मदिन है, तो चलते हैं भाई एक स्पेशल सी जगह। जब हमारे 1 लाख हुए थे, तब मैं गया था गाँव की गौशाला में, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ बाहर वाली गौशाला में, क्योंकि अगर एक ही गौशाला में कुछ हमारे से बनता है वो देते रहेंगे ना, तो वो भी सही नहीं आया। तो दूसरी जगह जाऊंगा ना, तो वहाँ थोड़ा सा और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो गाइस चलते हैं। और गाइस गैंग के खबिटर भी आ रहे नीचे। डिवॉर्मिंग सिर्फ पिकू भी करी थी, लेकिन एल्फा ने भी इसके मुंह से निकली हुई दवाई चाप ली। अब यार ये ना व्लॉग नहीं बनाने तर, मैं जी कर ये ना टाइम ये कहा कि मेरी तरफ कैमरा रखा कर, मेरा व्लॉग बनाया कर। गाइस कमेंट करके बताओ व्लॉग में मैं तुम्हें इसे ज्यादा दिखाया करूँ, या इन दोनों को ज्यादा दिखाया करूँ, या फिर बता दिया तुम ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये श्वेता ने मेरे को पैसे दिए अपने पास से, मतलब ओए चुप हो जा मगा। बता चल बोल बोल, तू ही बोल, बता बोल। ड्रामे बाज़ है, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। ये आंखों में तुम मेरे लिए प्यार देखो, वैसे तो आंखों में इसकी डीड भी है, लेकिन प्यार भी है, वो तुम्हें चमक नहीं रहा होगा, डीड चमक रही होगी। यहाँ से गाड़ी निकालनी अरे है, क्योंकि गाड़ी से ले जानी पड़ेगी, ट्रोली तो ले जा नहीं सकता, बहुत दूर जा रहा हूँ ना। गाड़ी निकालना ना बहुत बड़ा काम हो गया, उधर पीछे रेता पड़ा, इधर भी रेता पड़ा, इधर ट्रोली खड़ी, फिर खपिटर भी आगे पड़ेंगे। खपिटर हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आया यार, मैं जानू लग रहा है जेम हाथ घेरे, कुछ ना कुछ लेके आए हो गए। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाई लाके बर्थडे भी विश कर रहे, क्या डेरी मिल्क ले रहे, किटकैट ले रहे, भाई वाह, थैंक यू। ये तुम करो गाइस, तुम गाड़ी चेक करो, अंदर से तो बिल्कुल क्लीन क्लीन गाड़ी है, लेकिन अगर बाहर से दिखाऊं ना तो मैं ना हैंग हो जाऊंगा देखते ही। ओ कितनी धूल उठी यार, ये देखो भाई बाहर से क्या हालत हो रही है इसकी। अबे ऐसी लग रही होगी जैसे कि 50-60 साल पुरानी गाड़ी हो। गाइस यहाँ पहुंच तो गया मैं, लेकिन बारिश आनी शुरू होगी, पहले मेरे को पूछ के आना पड़ेगा गौशाला में। अबे यार तगड़ी बारिश आ गई एकदम से, जितने गाड़ी में आओगे उतने चौकर के कट्टे ले लिए। और हमारी तो टूट पाई थी गाड़ी भी तुमने, ओ
यूके करवा, मेरे पापा घर तक आटा का पीछे देने पड़ेंगे इसके। तभी जा एक और दर्द हो ये भी सामान लेके आ गए गौशाला में, और मैं तुम्हें दिखा दूं भाई कितनी बड़ी गौशाला है ये। अगले भाई कितनी गाय है यहाँ। गाइस आज मौका भी मिल गया अपने हाथ से चून डालने का, तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है यार, दिल खुश हो गया, अपने हाथों से चून खिलाओगे ना। टाइम लग गया 6:53 हो गए, और सामने चेक करो व्यू, और व्यू का चाचा दोनों पीको और अल्फा दोनों को घुमाने के लिए लेके आ गए। ओए अल्फा पीछे हो जा, अल्फा पीछे, ओए ओ गाड़ी में स्क्रैच मार देगा तू, पीछे हो जा, कैच के ले जा अबे, चल पीको, ओए पीको नहीं, अबे नहीं, बाय 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 बाय। ये भी एक जगह आ गए हैं, यहाँ पे ना एक पिलिया भी आ रही है, उसने बच्चे दे रखे, पिलिया भी ये लेट रही है और इसके बच्चे भी ये लेट रहे, और के नीचे घर बना लिया इसने अपना। पहले ना और भी कुत्ते रह रहे थे, पर फिर वे पता नहीं ना गर्मी लगती ना बढ़िया। अच्छा इसका तो बड़े गड़बड़ हो रही है, इसका तो पूरा जख्म हो रहा है यार, कह रहा है इसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यार। ये चेक करो भाई दो उल्लू कैसे बैठे, ये देख लो एक उल्लू ये रहा एक उल्लू ये रहा, ये तो गड़बड़ होगी यार, उल्लू का बच्चा नीचे गिर गया। ऐसे उल्लू को दिन में चमकता नहीं, इसके मम्मी पापा तो ऊपर है, एक मम्मी का घर ये है पापा का ये, हो सके हमें इसके पास से जाना ही पड़ेगा, हो सके इसके मम्मी पापा से बाद में अपने पास ले जाओ उठा के। थैंक यू गाइस, अपने गैंग के सारे कंप्यूटर आ लिए, बस पहले एक बार उसके थैंक यू एक बार उसका ट्रीटमेंट करके आ जाऊँ, फिर केक काटेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए दवाई तो लेके आ गया, अभी से बाहर निकालना पड़ेगा, पर ट्रीटमेंट जरूरी है क्योंकि इसके ना छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन बच्चों का कुछ भी दिक्कत हो सके, अगर इसका कोई दिक्कत होगी तो भाई लगता है ये देखो कैसे भागम भाग होगी। अभी गैंग के सारे कंप्यूटर आ गए, बड़े बड़े कंप्यूटर भी आ गए, छोटे छोटे कंप्यूटर भी आ गए, वो देख लो अल्फा ना पूरा लॉड कर रहा है, घने दिनों के बाद मिलाना ही इससे, बच्ची ले ले, ओ सॉरी पप्पी ले ले पप्पी, क्या बोला तूने, और अल्फा के अंदर देख लो कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी केक खाने की, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि मेरा जन्मदिन है, अब तक तो इन्हें पता नहीं था, वैसे पता भी हो गया यार क्योंकि आज सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहे। गाइस ये भी अपने गैंग के सारे कंप्यूटर आ गए, बोलो शंकर भगवान की। अरे ले बीड़ी ना पीता मैं, वो अल्फा को देख लो ये भी केक खाने की सोच रहा है, सबको मिलेगा बाद में मिलेगा, रुक जा एक मिनट, अरे कुछ नहीं करने का, ये दिक्कत नहीं है, पीको आराम से बैठ जा मिलेगा टाइम पे। हेलो गाइस टाटा बाय बाय बोलते हैं भाई, दूर जाना पड़ेगा इन्हें, आराम आराम तो जाइयो, कभी रास्ते में बारिश पकड़ लेता मैं। कौन है ये लोग? गाइस अभी व्यू के बाबा दादी मम्मी चाचा सब आ रहे हैं, और उनके साथ भी मिलके केक काटते हैं। केक काटेगा दोबारा ना, एक एक हैं ना, फाइनली गाइस व्यू भी खुश हो गया, चम्मच लेके घूम रहा केक के लिए, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय कर दो। केक तो चला गया, पीको और अल्फा खा गए केक, तो पीको और अल्फा खा गए केक।